दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पर एक इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप स्टूडेंट हो या एम्प्लॉई, आपको किसी ना किसी टॉपिक पर कभी ना कभी प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ती होगी। और जब भी आपको कोई टॉपिक मिलता होगा तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आता है वो ये कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में डाली जाए। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आपको कोई टॉपिक मिलता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो कैसे आपको उस टॉपिक को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना है और किस तरह से आपको उसे अपनी प्रेजेंटेशन में डालना है। तो चलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जब भी आप पावर पॉइंट पर कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके लिए आप अपने टॉपिक को इंटरनेट पर सर्च करते होंगे और सर्चिंग के जब रिजल्ट आपके सामने आते हैं तो 4-5 वेबसाइट्स ओपन करने के बाद आपके पास इतना डेटा इकट्ठा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता किस डेटा को आप अपनी प्रेजेंटेशन में डालें और किस को अपनी प्रेजेंटेशन में ना डालें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सर्चिंग का तरीका बताते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं वो है ई हेल्थ। इसके लिए हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सर्चिंग का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमने एक टैब पर ई हेल्थ सर्च कर लिया। सेकेंड टैब पर हमने ई हेल्थ के साथ PPT सर्च किया, यानी ई हेल्थ PPT। इस सर्चिंग के थ्रू हमको ई हेल्थ पर बनी हुई PPTs मिल जाएंगी, क्योंकि PPT में हम समराइज इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, पूरा का पूरा डेटा शो नहीं करते। इसलिए किसी भी PPT को अगर हम देख लेंगे तो हमको एक इंसाइट मिल जाएगा कि हमें किस तरह से अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर इन्फॉर्मेशन शो करनी है। और थर्ड नंबर पर हम ई हेल्थ से रिलेटेड इमेजेस सर्च कर लेंगे। ये देखिए, हमने इमेज वाला टैब ओपन कर रखा है। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर आपको कैसे रखना है। तो सबसे पहली स्लाइड में आप कवर पेज बनाएंगे। इस कवर पेज में आप अपने टॉपिक का नाम देंगे, साथ में आप अपना नाम देंगे और अपनी डिजिग्नेशन या अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। देखिए, हमने अपना ये कवर पेज क्रिएट किया है। इसमें हमने ई हेल्थ अपना टॉपिक लिया है, तैयब हाशमी मेरा नाम है और नो हाउ SAS मेरे चैनल का नाम है। सेकेंड स्लाइड में हम अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे। इसके लिए हम विकिपीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ जो हमने PPT सर्च की थी इनसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और एक समराइज्ड इन्फॉर्मेशन अपनी स्लाइड पर शो करेंगे। यहाँ देखिए, ये सेकेंड लिंक है जिसे हम ओपन करेंगे। ये देखिए, हमारे सामने एक ऑनलाइन PPT ओपन हो चुकी है। इस PPT में हम इंट्रोडक्शन वाले पेज पर जाएंगे। इस PPT की स्लाइड में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बिल्कुल हमारे मतलब का है, तो हम एज इट इज़ कॉपी करके अपनी स्लाइड पर डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने अपनी सेकेंड स्लाइड पर हेडिंग डाली है व्हाट इज ई हेल्थ, और इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है ये हमने ऑनलाइन PPT से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो थर्ड टैब पर हमने ई हेल्थ से रिलेटेड इमेजेस सर्च की थी इनको हम अपनी PPT पर यूज़ करेंगे ताकि हमारी PPT थोड़ी सी कलरफुल लगे और अट्रैक्टिव भी लगे। सेकेंड स्लाइड पर हमने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड स्लाइड में हम बताएंगे कि ई हेल्थ का एप्लीकेशन मेडिकल लाइन में किन किन सेक्टर्स में या किन किन डिपार्टमेंट्स में होता है। इसके लिए हम एक बार फिर अपने ब्राउज़र पर आएंगे। यहाँ पर एक लिंक हमको शो हो रहा है टाइप्स का, इसको हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि इतने सारे एरियाज हैं जहाँ पर ई हेल्थ का इम्प्लीमेंटेशन है। इन सब की हेडिंग्स को हम अपने पावर पॉइंट पर डाल देंगे। ये देखिए, थर्ड स्लाइड हमने बनाई है एप्लीकेशन ऑफ ई हेल्थ टर्म, और वहाँ पर जो भी हेडिंग्स लिखी हुई थी उन्हें हमने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर लिख लिया है। यानी सेकेंड स्लाइड पर हमने आपको बताया कि ई हेल्थ होता क्या है और थर्ड स्लाइड पर हमने बता दिया कि ई हेल्थ का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। अब अगर आपको ये प्रेजेंटेशन लेंदी बनानी है तो आप इनमें से हर एक पॉइंट के ऊपर एक अलग स्लाइड बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 9 पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से हर एक पॉइंट पर
आप एक अलग स्लाइड बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपनी फोर्थ स्लाइड क्रिएट करेंगे। इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि ई हेल्थ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसके लिए एक बार फिर हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई हेल्थ और इमेजेस को ओपन कर लेंगे। और यहाँ से एक इमेज निकाल के हमने अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। अब इस इंफॉर्मेशन को हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर शो कर देंगे। ये देखिए, हमने अपने प्रेजेंटेशन पर फोर्थ स्लाइड को बेनिफिट्स ऑफ ई हेल्थ टूल्स के नाम से हेडिंग दिया और सेम इमेज को ग्राफिकल फॉर्म में अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर शो करा दिया। जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया कि हम ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इन सारे टॉपिक्स को आगे इलेबोरेट नहीं करेंगे। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन लेंथी बनाना चाहते हैं तो इन पांचों टॉपिक्स के ऊपर आप 5 अलग अलग स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको आराम से इंटरनेट पर मिल जाएगी। अब इस प्रेजेंटेशन की हम 5th स्लाइड क्रिएट करेंगे, जहां पर हम आपको ई हेल्थ का फ्यूचर बताएंगे। आपने ई हेल्थ का इंट्रोडक्शन जान लिया, आपने उसका यूज़ जान लिया, आपने उसके बेनिफिट जान लिए, अब आप इसका फ्यूचर भी जान लीजिए। यहाँ इन 4 स्लाइड्स में हम अपने टॉपिक को प्रॉपर कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, हमने कंक्लूजन एंड फ्यूचर ऑफ ई हेल्थ के नाम से एक स्लाइड क्रिएट की, यहाँ पर एक इमेज लगा दिया और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शो कर दिए। आप इन पॉइंट्स को फर्दर इलेबोरेट करके 6 अलग अलग स्लाइड्स बना सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी लेंथी क्रिएट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को हमने इसी प्रेजेंटेशन से निकाला है जो हमने ऑनलाइन ओपन की थी। इसके बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को एंड कर देंगे, एक लास्ट स्लाइड बनाएंगे जहां थैंक यू लिखेंगे, अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस लिख के इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, हमने आपको एक आसान तरीका बताया कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, आप फर्स्ट स्लाइड कवर पेज की बनाएंगे, सेकंड स्लाइड आप बनाएंगे इंट्रोडक्शन की, थर्ड स्लाइड आप हिस्ट्री की भी ले सकते हैं कि जो भी टॉपिक आपको मिला है उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे ई हेल्थ हमारा टॉपिक है तो हेल्थ सेक्टर तो बहुत पहले से ही चल रहा है, लेकिन ई हेल्थ का इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर भी आप एक स्लाइड बना सकते हैं। फिर हेल्थ सेक्टर में ई हेल्थ का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इस पर हमने 3rd स्लाइड बना लिया। 4th स्लाइड हमने बेनिफिट पर बनाई और 5th स्लाइड फ्यूचर पर। अगर आपको कोई छोटी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप इतनी ही स्लाइड पर अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो इनमें जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हमने दिए हैं, इन सारे पॉइंट्स पर या आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे उनमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, उनमें से हर एक पॉइंट पर आप एक अलग स्लाइड बना सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी लेंथी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है प्रेजेंटेशन बनाने का, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एप्लीकेशन या टाइप्स, उसके बाद बेनिफिट्स, देन उसका फ्यूचर। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, आपके सामने कोई भी टॉपिक आ जाए आप आसानी से इफेक्टिवली और एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए और इस वीडियो को खूब खूब शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक पहुँचे और हमारा सपोर्ट भी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।